या अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो भाई आज कल रात को मैं काम से वापस आया था, ऑलमोस्ट कोई 1:30-2 बजे। तो सारा दिन काम कर करा के इतने पैसे नहीं मिले जितने ये मेरे हाथ में आ चुके हैं। बात ये है कि रात को आया तो सेक्टर पार्क 187 सेक्टर है, किसी का इसने रिजर्व किया हुआ था वहाँ पर गाड़ी ठोक मतलब के पार्क करके आ गया सुबह। और सुबह जाके देखा तो भाई ये चेक करो, यहाँ पे ये $90 की टिकट दे के गए हैं शहजादे। और अगले दिन यहाँ पे तूफान आया था तो गाड़ी पार्क करने के लिए जगह नहीं मिली, तो मैंने ना हाईवे के अंदर जो है ना पार्किंग होती है उसके ऊपर चढ़ा के ना घर आके सो गया। 2 घंटे बाद ही शहजादे आए हैं और $175 की टिकट दे गए हैं भाई को, और एक ये ऑलरेडी 175 की पड़ी हुई है। तो टोटल मिला के आज भाई कुछ काम भी नहीं किया, रिसेशन यहाँ पे चल रहा, जॉब भी है नहीं। $450 की टिकटें ही सिर्फ कहते हैं पे करो आप, हमें पैसों की ज़रूरत है। और मेरी गाड़ी के पीछे पड़े हुए हैं, पता नहीं क्या इनको दुश्मनी है, तो इनको मेरी गाड़ी से पता नहीं क्या तकलीफ़ है। जहाँ भी पार्क करता हूँ, जिस नुक्कड़ में भी गाड़ी करके जाता हूँ, भाई आते हैं गिद्दड़ सिंह की तरह, देखते हैं गाड़ी कहाँ पर और टिकट दे के चले जाते हैं। भाई बंदा गरीब, यहाँ पर स्टूडेंट, दूसरे खर्चे फीसें वगैरह निकाल नहीं पा रहा, ऊपर से ये जो अलहदा से जो है ना तोहफे दे देते हैं, और ये जो इनकी आ रही है क्रिसमस, उसका तोहफा जो है ना मुझसे इन्होंने $450 जो है टिकट की शक्ल में ली है। मुझे समझ नहीं आ रही कुछ क्या करूं। सुबह से वेला इस बिस्तर पे सो रहा था, अभी उठ के गया हूँ ग्रोसरी करने, और मैंने सोचा कि गाड़ी जहाँ पे पार्क किया उसका भी हाल ओहे हाल देख लेते हैं। तो ये हाल है, $90 की टिकट दे गया भाई। अभी ये पहली है, इसके बाद जो है नेक्स्ट मैं पे करता हूँ आपको बताता हूँ। भाई ये ना कहना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये देख लो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, सही है, और हम $175 जो है ना पे कर रहे हैं। जी हमने पे कर दी है पहली, और ईमेल आ गया हमें अप्रूवल की कि हमने पेमेंट रिसीव कर ली है। ओके जी, तो ये है जी दूसरी, इसकी जो कॉस्ट थी वो है जी $90, अब हम ये पे करने लगे हैं जी। जी दो हमने पे कर चुकी हैं और इनको मैंने ऐसा फाड़ा है, इनसे बदला लिया है, इनकी मैंने तहचियाँ उड़ा दी हैं। अब ये है लास्ट वाली 175, अब ये पे करते हैं जी। आ जाओ फिर स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको, ये 175, ये फिर हम पे करने लगे हैं। $175 की है और ये नंबर थर्ड है लास्ट वाली, ये है जी हमारी थर्ड, हमने पे कर दी है जनाब $175 इसकी भी, और कन्फर्मेशन भी आ चुकी है। हम टोटल का हिसाब लगाएं तो $434 हमने पे किए हैं जनाब टिकटों की शक्ल में, और अगर हम यहाँ पे कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 91,000 पाकिस्तानी रुपीज जो है ना आज हमारा गया हाथ से, और 91,000 जो है ना जुर्माना पे किया है जनाब। हम अपनी अपनी गलती का जो है ना, हम अपनी गलती को मानते हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यूचर में मैं भी बहुत कम एहतियात करेंगे, क्योंकि भाई ये तो जेब हाली करवा देते हैं, और हमें अपनी गलती से सीखना चाहिए। और यहाँ पे लोग ऐसे ही करते हैं, अगर उनका कसूर नहीं है तो वो कंटेस्ट पर जाते हैं। लेकिन क्योंकि मैंने रिजर्व पार्किंग में गाड़ी लगाई थी तो इसमें मेरा ही फॉल्ट है, तो मुझे इसका जो है ना जुर्माना पे करना ही था। चाहे आज अगर मैं कॉन्टेस्ट भी कर देता तो बाद में मुझे गिल्टी जो है ना अपनी एक्सेप्ट करनी पड़नी थी, और बाद में जो टाइम भी ज़ाया होना था, हाई कोर्ट में जाना था हेयरिंग पे। और इससे बेहतर है कि बंदे के पास अगर है थोड़ी बहुत सेविंग थी तो मैंने पे कर दी, क्योंकि जान छोड़े जहनी दबाओ। तो उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये बहुत नहीं लगेंगे, फ्यूचर में एहतियात करूँगा।